बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। किसानों को फसल का सही दाम मिलने तक आंदोलन होना चाहिए। अगले चुनाव में भी वोट उसी को दे जो फसल का सही दाम देने की बात कहे। उन्होंने कहा कि किसान चाहे तो सत्ता पलट सकता है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में मरे पंजाब हरियाणा के 712 किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए दिए। वहीं गलवान घाटी में शहीद हुए पंजाब के 4 सैनिकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद दी। उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह, नेरी, तूफान, ठंड, धुंद, हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगा जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं। ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने सांस लिया। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है।